ATS Destinair, ATS ग्रुप की प्रीमियम और लग्जूरियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की सोसाइटी की श्रृंखला में एक नया एडिशन है। सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहा ये प्रोजेक्ट सभी लग्जूरियस एमिनिटीज के साथ में भरपूर तो है ही, साथ ही में सेक्टर 1 ग्रीनरी और लो कंजेशन का एरिया भी माना जाता है। सोसाइटी के आसपास में काफी सारा ग्रीन बेल्ट भी डेवलप हो रहा है जो सोसाइटी को एक काफी एडवांटेज दे देगा। सोसाइटी के सामने 75 मीटर का ग्रीन बेल्ट का एरिया मिवाकी फॉरेस्ट की थीम पे डेवलप किया जा रहा है, जिसे एक 50,000 पेड़ पौधों से भर दिया जाएगा और एक जंगल का लुक देगा। ATS Destinair 3 साइड ओपन प्लॉट है और ये 8.25 एकर्स का है। सोसाइटी में सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिसमें 2500 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट और 1900 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। सोसाइटी में 14 टावर्स हैं और 14 टावर्स के 7 टावर्स में 4 BHK प्लस सर्वेंट की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है और वहीं पे दूसरे 7 टावर्स में 3 BHK प्लस सर्वेंट की। सोसाइटी में टावर्स की हाइट ग्राउंड प्लस 25 से लेके ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी तक वेरी होती है। साथ ही में सोसाइटी में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग भी मिलती है। सोसाइटी को 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 में टावर 1, टावर 2, टावर 3 और साथ ही में टावर 11, 12, 14 और 15 बन रहे हैं। सोसाइटी में 14 टावर्स है, पर क्योंकि टावर नंबर 13 नहीं डिनोट किया गया है तो ये टावर 15 नजर आते हैं। सोसाइटी में 7 टावर्स एक लाइन में और दूसरे 7 टावर्स दूसरी लाइन में है और ये पैरेलल चलते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ही कॉमन एमिनिटीज का एरिया है। सोसाइटी को माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से काफी प्रीमियम मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट में हर किसी टावर में केवल 2 यूनिट्स हर फ्लोर पे मिलते हैं और साथ ही में 2 लिफ्ट्स हैं। प्रोजेक्ट में हर किसी फ्लैट के साथ में फ्री एसीज और मॉड्यूलर किचन भी मिलता है। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की एमिनिटीज की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल एरिया 4.5 एकड़ का है, जो कि लैंडस्केप और बाकी कॉमन एमिनिटीज के लिए बनाया गया है। सोसाइटी के एंट्रेंस पे ही दुकानें बनाई गई हैं, जो लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड पे हैं। टोटल नंबर ऑफ दुकानें 24 की हैं। वहीं पे क्लब 2 लेवल्स पे है, जो कि अपर बेसमेंट और ग्राउंड लेवल पे है। क्लब में सभी एमिनिटीज, जिसमें स्क्वाश, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, जिम, मल्टीपर्पज हॉल, एक्टिविटी रूम मिल जाते हैं। वहीं पे सोसाइटी के आउटडोर एरिया में स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर, वाटर बॉडीज, लश ग्रीन लॉन एरिया, जॉगिंग ट्रैक्स जैसी काफी सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं। अगर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दूसरे एरियाओं के मुकाबले में कम कंजेस्टेड है और यहाँ पे ओपन एरिया भी काफी मिलता है। वहीं पे सोसाइटी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये प्रीमियम सेगमेंट की सोसाइटी है, जिसमें केवल 3 BHK प्लस 7 और 4 BHK प्लस 7 के फ्लैट्स हैं और साथ में ओपन एरिया बीच में आगे पीछे और 3 साइड में काफी मिलता है। इन सब पैरामीटर्स को अगर देखें तो ओवरऑल लोकेशन वाइज, सोसाइटी वाइज और इवन फ्लैट वाइज भी ये लेने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी वीडियोस, लेआउट, ऑफर और प्राइसेस जानने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बाय इंडिया प्रॉपर्टी ऐप। और ऐप के अंदर अगर बिल्डर लाइव है तो उनसे चैट, वीडियो कॉल और कॉल पे बात करके पा सकते हैं अपने लिए सबसे लोएस्ट कीमतें। जिन प्रॉपर्टीज पर बिल्डर लाइव है उन प्रॉपर्टीज के फोटो पे बिल्डर लाइव लिखा हुआ मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।